विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू किया तो कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। सदन में मंत्रियों ने कहा है कि जब धान के मसले पर भाजपा को मोदी के पास जाने की सलाह दी थी तो भाजपा क्यों नहीं गए। जो वास्तविक जो रकबा है, जितने में बोए हैं उतने के तो धान खरीदेंगे। मान लो किसी के पास जमीन है 15 एकड़ और उसमें बगीचा भी है, उसमें तालाब भी है, वो पानी के नीचे भी है, बहुत सारे ऋण पुस्तिका में इस प्रकार से रहता है। तो वो जो तालाब है, बगीचा है, पानी के नीचे है, पड़त है या दूसरी कोई फसल लिए हुए हैं तो उसका धान तो नहीं खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा छुपाने का अब कारण ढूंढना है। डॉक्टर रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जी धान में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन पूरे प्रदेश के किसानों को ये जानने का हक है कि आपने 300 रुपया की घोषणा किया था, पूरे 5 साल क्यों नहीं दे पाए। आपने 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। आप इसमें किसी को भी कलेक्टर को या राजस्व अधिकारी को निर्देशित नहीं किया गया है कि रकबे में कमी करना है। वास्तविक जो खेती हुई है उसमें गिरदवाली के अनुसार मिलान करना है और उसके अनुसार धान का खरीदी होगा, ताकि पड़ोसी राज्यों से जो धान खपाने का लोगों का कोशिश है उसको रोका जा सके और छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों को इसका लाभ दिया जा सके। छत्तीसगढ़ में आज राजभाषा